शिक्षित हो या शिक्षित हो, 50,000 नौजवानों को रोजगार देने के मैं काम करूंगा, 50,000। और जितना टेंडर से काम होता है, गिने चुने वही सब को होता है, जो वर्ण वैसे व्हाइट वर्ड कुर्ता पजामा चश्मा लगाते हैं वैसे लोगों को, और वही योजना निकलता है जहां नेता है, गरीब के यहाँ नहीं। 25 लाख के अंदर सब लाभुक समिति से काम होगा, और 25 लाख से ऊपर टेंडर से काम होगा, और मोहम्मद की सरकार बनेगी तो हम जोरी को प्रखंड अंचल बनाएंगे और पांडेपुरा को प्रखंड अंचल बनाएंगे और हंटरगंज के अनुमंडल बांधने काम करेंगे, और प्रतापपुर में गौरा में प्रखंड अंचल थाना होगा और कुंदा मिलाकर के प्रतापपुर भी अनुमंडल होगा। सत्य होता जो कहता वही होता है। चतरा में एकदम एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि सब सड़क कवर गया, हमके जब सत्येंद्र भोक्ता कवर गया रोड कवर तो गलत हो रहा। जब सत्येंद्र भोक्ता बनेगा तो सड़क बनेगा। तो चतरा में जो स्थिति और परिस्थिति है, पहला काम आशीर्वाद मिलेगा तो बाईपास सड़क का निर्माण होगा। हर एक वार्ड में 22 वार्ड में शिकायत वार्ड सचिव वार लगाने काम करेंगे। अलग नगर थाना होगा, अलग नगर हॉस्पिटल होगा, हर चौमुखी विकास करने के काम करेंगे। ये सभी जितने यहाँ नौजवान हैं, आप आज से ही 15 दिन खाना नहीं है, सोना नहीं है, आपको रात दिन लोगों को जगाना है कि सत्यानंद भोक्ता काम किया है, काम करेगा और साथ मिलेगा तो विकास करेगा। इस नारे के साथ आपको जाना है। आज 5 वर्षों में कहा कि एक बार कहा कि योजना बनाओ, अभियान लगा के हेलीकॉप्टर से कितना योजना बन जाएगा कि कोई सरकार भी आएगा तो जरूरत नहीं योजना बनाने के, पूरा हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया गया, कोई योजना नहीं बना। कहा कि एक्शन प्लान कुंदा, एक्शन प्लान लवालंग, फिर कहा कि आदर्श प्रखंड होगा, आदर्श संसद का होगा, कोई काम नहीं, कहीं नहीं, कहीं चले जाइए। इतना झूठ तो कोई इंडियन बोल ही नहीं सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कहाँ जाएंगे क्या बोलेंगे उनको खुद याद नहीं है कि धनबाद में क्या बोले, हजारीबाग में क्या बोलना है। ये यहाँ जो लड़ाई है कोई महागठबंधन की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई जनता का है। ये जीत सत्यानंद भोक्ता का नहीं होगा, सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है, लड़ाई और यहाँ चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है कि विकास के लिए और रोजगार के लिए। यहाँ की जनता लड़ रही है कि हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए और मूलभूत सुविधा चाहिए, इसलिए हमें सत्यानंद भोक्ता चाहिए। तो सभी लोगों से मैं ज्यादा समय लेते हुए यही कहना चाहता हूँ कि नजर बदलो, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। क्या सही बात है कि नहीं? नजर वेतन मांग रहा है, पिटाई हो रहा है, उन लोगों को वेतन हम लागू करने काम करेंगे, और जो जिनका उम्र खत्म हो गया है, नौकरी नहीं मिला सर्टिफिकेट में, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करेंगे सभी को बेरोजगारी भत्ता कम से कम 10,000 मिले, ताकि वैसे लोगों के लालन पालन घर में सुख चैन से जी सके। और जितने यहाँ पर चतरा में विकास चाहिए, अब हमको काम सीखने जरूरत नहीं, बताने जरूरत नहीं, सब पूरा मैं मास्टर मैन है कि विकास कैसे होगा। और आप लोग अंदर के बात जानता हो कि सत्यानंद भोक्ता करेगा खेला, योजना चलेगा रेला। वीडियो यहाँ जगह नहीं मिलेगा कि चेक किसका कट रहा है, बैंक में लाइन लगल लोग रहेंगे कि किसका चेक भंज रहा है, गांव में ट्रैक्टर लगल रहेगा, पत्थर लोग तोड़ते रहेंगे, बालू आते रहेगा, पूरे लोगों को रोजगार देंगे। और इस सरकार ने कहा था कि हम नदी सफाई करेंगे, हम लोग सोचे कि जो आम जाल पड़ता है वो साफ करेगा, पानी क्लीन होगा, पूरा नदी सफा के नाम पर बालू ही साफ कर देंगे। और सरकार को स्कूल खोलना चाहिए तो 14,000 विद्यालय बंद कर दिया, नहीं चाहता कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे नौकरी मांगे। जब मुख्यमंत्री विदेश गया तो कहा कि 1 लाख
ये 120 कंपनियां मोमेंटम झारखंड और एमयू किया है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मैं काम करूंगा। लेकिन 120 कंपनी को एमयू करने में 57,000 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया। एक भी कंपनी आया तो झारखंड में नहीं वक्त हाथी उड़ रहा है। यही तो विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जितने डीलर हैं जो आंदोलन करते हैं हमको भी वेतन मिलना चाहिए। अब तो सबके हो गए एटीएम और पेटीएम ठेपा, तो डीलर लोग मांग जाज है। मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी बनेंगे, बनना तय है, तो सभी डीलर का भी समान वेतन हम देने के काम करेंगे। और छात्रा विधानसभा एक विकास का आदर्श विधानसभा होगा, रोजगार का विधानसभा होगा और एक विकसित मॉडल डिस्ट्रिक्ट छात्रा के नाम पर छात्रा जाना जाएगा। मैं ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं आपके जनसेवक के रूप में, आपके सेवक के रूप में मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि सभी लोग दीजिए। आपके सेवा में कभी मान सम्मान कमी नहीं होगा। और हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय शिबू सोरेन हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत बहुत बधा देता हूं कि राज्य में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़े ना ही नहीं बल्कि उखाड़ को फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो।